एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट दिस निक फ्रांस्टॉक वॉल्सो फाउंडेशन के बारे में। सो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैं इसके बारे में रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन लॉकडाउन चल रहा था एंड उससे पहले और कुछ प्रॉब्लम था तो इस वजह से मैं नहीं खरीद पा रही थी, लेकिन फाइनली मैंने ये खरीद ली है और मुझे इसका रिव्यू भी करना है। सो ये जो लोग एटलीस्ट अभी तक नहीं खरीदे हो एंड जो लोग स्पेशली मेरे फॉलोअर्स हो उन लोगों को रिव्यू, जिन लोगों को जानना है उन लोगों के लिए मुझे बनानी है ये वीडियो। तो यस, आप लोग देख सकते हो रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू है कम्प्लीटली, मैंने पैसा देकर खरीदी है, कोई स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन वीडियो तो नहीं है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा ड्रॉगस्टोर ब्रांड है, थोड़ा सा हाई एंड साइड पे अगर हम ड्रॉगस्टोर ब्रांड के बारे में बात करें तो ये फाउंडेशन जो है मुझे आ गया था 1300 रुपीज का, जो कि मुझे 1 रुपए में ऑफर में भी नहीं मिला था। हो सकता है कि आगे जाके आपको ऑफर वगैरह मिल जाए, लेकिन आई विल लिंक इट बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैंने लिए अपनी जो शेड है, जो मेरी जो शेड है वो है कैंडल। तो ये मेरी परफेक्ट एकदम परफेक्ट शेड है और जो लोग मेरे स्किन टाइप के वो लाइक मीडियम टू डार्क स्किन टोन, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शेड। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका कवरेज क्या है। सो गाइस, अगर हम बात करें पैकेजिंग की तो पैकेजिंग जो है काफ़ी लग्जरियस एंड काफ़ी स्लीक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ग्लास बॉटल के साथ आता है। जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो है ये कैप होने ना होने से बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। अगर आप ट्रैवल के लिए ले रहे हो तो बी केयरफुल, हो सकता है कि आराम से निकल भी जाए। और जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो ये है कि ये लोग जो है इसके साथ पॉम प्रोवाइड करते हैं और ये ज़्यादा मेसी नहीं होगा, वो चीज़ बहुत ही अच्छा दिया है इन लोगों ने इस फाउंडेशन के साथ। ये जो बोल रहे हैं ये है फुल कवरेज फाउंडेशन, तो मुझे एक ऐसा फाउंडेशन चाहिए था जो मिलानी 2-in-1 फाउंडेशन को टक्कर दे सके। तो जब मैंने इसका एक ड्रॉप निकाली अपनी हैंड में और मैंने देखा कि ये एकदम बहने लग रहा था, क्योंकि ये एकदम लिक्विडी फॉर्म में है, तो मैंने एक एक ड्रॉप ली इस फाउंडेशन का। तो राइट साइड पे मैंने यूज़ करी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और लेफ्ट साइड मैंने यूज़ करी ब्रश की हेल्प से। तो मैंने चाहती थी कि किस तरीके का कवरेज दे रहा है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एंड ब्रश के साथ। तो मैंने नोटिस किया कि जो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ ये बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है, लाइक ब्रश से भी अच्छा कवरेज वो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर में दे रहा था। जो है ज्यादा डार्क सर्कल है जो कि विदाउट कंसीलर हाइड नहीं होता है। सो सेम इस फाउंडेशन के साथ ये हुआ कि एक ड्रॉप फाउंडेशन जो है मेरी डार्क सर्कल को छुपा नहीं पाया। तो मुझे लगा कि एक ड्रॉप जो है बहुत ही सफिशिएंट है अगर आपके फेस में पिंपल्स वगैरह और डार्क सर्कल वगैरह नहीं है तो। बहुत बार ऐसा होता है जो फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो ड्राई स्किन में इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते हैं, लेकिन यू गाइस नो मैं ड्राई स्किन से ही बिलोंग करती हूँ, फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी स्किन पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लाइड हो गया, एकदम स्मूथली ब्लेंड हो गया, बिल्कुल भी छिपछिपा एंड ऐसा बिल्कुल भी केकी सा नहीं लगा। मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा। यस, मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है मेरी स्किन पे थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा ऑक्सीडाइज सबके फेस में नहीं होता है तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे फेस पे होता है। दिस इज हार्मोनल इशू, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत जल्दी स्वेटिंग आ जाती है, मेरे फेस में बहुत जल्दी एक्ने पिंपल्स वगैरह आते हैं। सो दिस इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। सो इस वजह से मेरी स्किन पे फाउंडेशन जो है काफी बार ऑक्सीडाइज होते हैं। सो इसलिए ये फाउंडेशन भी मेरे स्किन पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप लोगों में से भी किसी का फेस में ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो प्लीज़ आप जो है एक शेड ज़्यादा खरीदो, मतलब लाइटर शेड खरीदो। तो मुझे इतना पता नहीं था तो मैंने अपने परफेक्ट शेड जो है वो परचेज कर ली है, लेकिन मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत कंसीलर अप्लाई करके मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। 1300 रुपीज़ में आपको मिल जाता है 30 ml का प्रोडक्ट, विच इज ग्रेट। और मुझे लगता है कि 3-4 ड्रॉप आपके फेस में सफिशिएंट होगा तो ये काफ़ी लाइक 1 साल तक तो आराम से टिकने वाला है, अगर आप एक लाइक डेली मेकअप यूजर नहीं हो तो। क्योंकि मैं डेली मेकअप यूजर हूँ तो हो सकता है कि मेरी जल्दी खत्म हो जाए। सो इन्होंने बोला है कि ये 24 आवर्स के लिए आपके फेस में रहता है, तो मैंने इसे ट्राई करके देखा, नहीं 24 आवर्स के लिए आपके फेस में रहता जरूर है लेकिन इतना प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देता है, आपके फेस में वो केकीनेस दिखाई देता है आपके फेस में, यहाँ पे स्पेशली आपके जहाँ से ऑयल सीक्रेट होते हैं वह जगह पे वो फटने लगता है। सो 24 आवर्स के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन ऑब्वियसली ये 10 आवर्स के लिए आपके फेस में एकदम
सुपर स्मूथ एंड बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये फाउंडेशन ने मुझे काफी जो है इम्प्रेस किया। मैंने देखिए बहुत सारे फाउंडेशन 24 आवर्स के लिए दावा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो ये बोलते हैं कि ये जो है मैट फिनिश देता है। सो मेरे फेस पे ये मैट फिनिश नहीं दिया। पाउडर अप्लाई करने के बाद मुझे मैट फिनिश लगता है लेकिन आप फुटेज में देख सकते हो ये जो है अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन एकदम शाइन कर रहा था जस्ट लाइक ऑयली फाउंडेशन। तो ये मुझे मैट फिनिश तो नहीं दिया। आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपके स्किन पे मैट फिनिश दे रहा है या फिर ऑयली फिनिश। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।